हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक गुड न्यूज़। जो भी भाई अपनी एक न्यू RR310 लेना चाहते थे उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जो RR310 आएगी न्यू BS6 वेरिएंट में, वो काफ़ी अपग्रेड होकर आएगी। तो एक वीडियो लीक हुई है, आप उस वीडियो को देखिए और देखिए कैसी लगती है बाइक और आपको क्या क्या उसमें अपग्रेड मिलता है। आगे मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा इसके फीचर्स। मेरे पास भी RR310 है और मैं उससे आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या इसमें कंपनी ने अपग्रेड किया है। तो चलते हैं और आगे मैं आपको इसमें बताऊंगा प्राइस कंपनी इसकी एक्स शोरूम प्राइस क्या है। वीडियो में देखा बाइक देखने में अपग्रेडेड लग रही है और इसके जो कलर्स हैं कलर स्कीम भी इसकी चेंज है और ग्राफिक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और बात करें इसमें चेंजेस की नेक्स्ट की, तो इसका जो वाइजर है जो हम विंडशील्ड कहते हैं जिसको, तो वो भी डिफरेंट है, मतलब थोड़ी सी ये बड़ी कर दी गई है। अगर आप इसके टायर्स पर ध्यान दो तो इसके टायर जो है वो डिफरेंट है, तो इसमें हमें टायर भी थोड़े अपग्रेडेड मिलेंगे। और जो नेक्स्ट चेंज है इसका है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जैसे आप इसे ऑन करते हो तो पहले क्या था कि इसमें आवाज आती थी जैसे हम ऑन करते थे, तो बिल्कुल साइलेंट कर दिया है इसका क्लस्टर। का जो मीटर है स्पीडोमीटर काफी अच्छा कर दिया है, एडवांस कर दिया है और इसमें आपको डिजिटल स्क्रीन मिलती है, तो काफी बड़ी स्क्रीन है। KTM Duke 390 से तो बड़ी है काफी। जैसे आप देख सकते हो इसमें हमें अर्बन लिखा हुआ है, अर्बन मतलब ये राइडिंग मोड अर्बन पर चल रही है। और इसके अंदर हमारे और भी राइडिंग मोड अवेलेबल होंगे जैसे रेन स्पोर्ट्स, अगर ये होते हैं तो काफी अच्छी बात है। और हम बात करें इसके नेक्स्ट फीचर की, और साथ में मिलेगी स्मार्ट टेक्स्ट कनेक्ट फीचर, मतलब कि इसके अंदर ही हमें नेविगेशन मिलेगी और जितने हमारे फीचर्स थे RTR 204V के, वो सभी हमें इसमें RR310 के अंदर मिलेंगे। तो इसमें मिलेगी हमें नेविगेशन और साथ में हमें जो भी ऐप के अंदर जो फीचर्स आते हैं वो सही मिलेंगे। कूलेंट टेम्परेचर लिखा हुआ है और साथ में इसमें लिखा है ऑडियो रीडिंग, साइड में इसके अंदर टॉप स्पीड और नीचे इसके अंदर फ्यूल रेंज। तो वही सही फीचर्स हैं जो हमें पुरानी RR के अंदर थे, पर इसको थोड़ा अपग्रेड करके बिगर डिस्प्ले के अंदर शो किया गया है, जो कि देखने में काफी अपग्रेड लग रहा है और अच्छा लग रहा है। साथ में इन फीचर्स को एक्सेस करने के लिए आपको हैंडल पर एक बटन दिखेगा, उस बटन से आप जितने फीचर्स हैं बाइक के उसको आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर बात करें इसके पावर की, तो आई होप पावर में भी इसमें काफी अपग्रेड किया हो कंपनी ने, जिससे KTM RC390 को बीट कर सकती है अच्छे प्राइस से। और इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है तो उससे थोड़ा सा कम ही रहेगा RC390 से। तो ओनर प्राइस की बात करें तो 2.98 लाख, ऑलमोस्ट आपको 3 लाख का ये आपको ऑनरोड पड़ेगी। BS6 RR310 की प्राइसिंग 40 के मोर है BS4 से। जो ये वीडियो लीक हुई है ये हुई है हमारी MMRT से, मद्रास मोटर रेस ट्रैक, वहाँ इसकी टेस्टिंग हो रही है और ये बाइक हमें जल्द ही मिलेगी मार्केट में, क्योंकि ये 2-4 दिन में ही लॉन्च होने वाली है। आपको बाइक कैसे लगी और इसके अपग्रेड कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और देखते रहिए नितिन ऑटो राइड्स।